लिनक्स रे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रे बेसिक ऊपर स्पोकन ट्यूटोरियल को स्वागत। एही ट्यूटोरियल रे आमे निम्नलिखित गुड़ी को सिखिबा। एड यूजर एसयू, यूजर मड, यूजर डेल, आईडी, डीयू, डीएफ। एठारे मु उबंटू 10.10 व्यवहार करुछि। एक प्राक आवश्यकता भाव लिनक्स रे साधारण प्रयोजन यूटिलिटीज उपर स्पोकन ट्यूटोरियल को देखंतु जहां एही वेबसाइट रे उपलब्ध अछि। प्रदर्शित कमांड एक्जीक्यूट करबा पई जणंकर एडमिन एक्सेस थिबा दरकार। आसंतु एक नुआ यूजर किपर क्रिएट करा जाए सिखिबा। ऑथेंटिकेशन समेत एड यूजर कमांड आम पाई एक नुआ यूजर लॉगिन क्रिएट करिबो। सुडो कमांड सहायता रे आमे जे कोनसी यूजर अकाउंट ऐड करि परिबा। सुडो कमांड विषय रे मु आपनको एक संक्षिप्त वर्णना देउछि। सुपर यूजर भाबर एक कमांड एग्जीक्यूट करिबा पई सुडो कमांड एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर को अनुमति देइथाय। एही ट्यूटोरियल रे आगो को बढ़िबा सह आमे सुडो कमांड रे थिबा अनेक ऑप्शन विषय रे जानिबा। एबे न्यू यूजर क्रिएट करने विषय जानिबा। कीबोर्ड रे कंट्रोल अल्टर ओ टी एका संगे दाबी टर्मिनल खोलंतु। मु एठी टर्मिनल आरंभ कर सारछि। एठी सुडो स्पेस एड यूजर टाइप करी एंटर दबंतु। एक पासवर्ड देबा पई आपनको कहा जिवो। मु एठी एडमिन पासवर्ड दे एंटर दबिबी। टर्मिनल ले टाइप करा जायथुवा पासवर्ड देखा जाय नाही, तेणु पासवर्ड को सावधानता पूर्वक टाइप करबा को हेबो। थरे होइगला परे एड यूजर ओनली वन और टू नेम्स अलाउड मेसेज देखा देबो। डक नामर एक नुआ यूजर अकाउंट क्रिएट करिबा। निम्नलिखित कमांड सुडो स्पेस एड यूजर स्पेस डक टाइप करी एंटर दबंतु। डक नामर एक नुआ यूजर क्रिएट होइगला। नुआ यूजर क्रिएट हेबा प्रक्रिया रे सही यूजर पै पृथक भाबे एक होम डायरेक्टरी मध्य क्रिएट होइछि। डक यूजर पर एक नुआ पासवर्ड देबा को मध्य हमको कुहा जिवो। निज पसंदर पासवर्ड दियंतु। मो मामला रे मो पासवर्ड भाबरे डक टाइप करी एंटर दबिबी। नुआ पासवर्ड को पुणी थरे टाइप करंतु। सुरक्षा कारण ओ सुनिश्चितता पई पासवर्ड दुई थरे देबा को कुहा जाए। एबे नुआ यूजर पई आम पासवर्ड अपडेट होइगला। अन्यन्य विवरणी पई मध्य आमको कुहा जिवो। मात्र वर्तमान पई मु केवल फुल नेम भाबरे डक टाइप करी बाकी सबु को एंटर दबी खाली छाड़ देबी। एंटर एहा को मु वाई दबी कन्फर्म करबी। एहा समस्त सूचना सठिक बोली सुनिश्चित करबा पई अटे। एबे यूजर अकाउंट क्रिएट हेला कि नाही जांच करिबा। एहा करिबा पई कमांड प्रॉम्प्ट रे एलएस स्पेस स्लैश होम टाइप करी एंटर दबंतु। होम फोल्डर रे यूजर तालिका देखाइबा पई एलएस कमांड व्यवहृत होइथाय। आउ एठी अछि नुवा भाबे क्रिएट होइथिबा आम डक नामक यूजर। चलंतु स्लाइड्स को फेरि जिबा। परवर्ती कमांड हेउछि एसयू। एसयू रो अर्थ हेउछि स्विच यूजर। सांप्रतिक यूजर रु अन्य एक यूजर को जीवा पई एही कमांड उपयोगी अटे। चलंतु एबे टर्मिनल को जीवा। टर्मिनल रे कमांड एसयू स्पेस हाइफेन स्पेस डक टाइप करी एंटर दबंतु। एक पासवर्ड पई आपनको कोहा जीवा।
ମୁଁ ଏଠାରେ ୟୁଜର ଡକ୍ର ପାସୱାର୍ଡ ହିଁ ଟାଇପ୍ କରିବି, ଯାହା ହେଉଛି ଡକ୍ ନିଜେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ମିନାଲ ପୂର୍ବ ୟୁଜରରୁ ନୂଆ ୟୁଜରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଯାହା ଆମ ମାମଲାରେ ହେଉଛି ଡକ୍। ଏହି ୟୁଜରରୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ଟାଇପ୍ କରି ଏଣ୍ଟର ଦାବନ୍ତୁ। ଏବେ ଟର୍ମିନାଲ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ୟୁଜର ଡକ୍ରୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିଯାଇ ପୂର୍ବ ୟୁଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ଭିନ୍ ହାଇକୁ ଚାଲିଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ୟୁଜର ମଡ୍ କମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ୟୁଜର ମଡ୍ କମାଣ୍ଡଟି ସୁପର ୟୁଜର ବା ରୁଟ୍ ୟୁଜରକୁ ଅନ୍ୟ ୟୁଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋଡିଫାଏ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଯେପରି ପାସୱାର୍ଡକୁ ନୋ ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ଏମ୍ପ୍ଟି ପାସୱାର୍ଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ୟୁଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିସେବଲ୍ ହେବା ତାରିଖ ଦେଖାଇବା। ଏହି କମାଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟର୍ମିନାଲକୁ ସ୍ୱିଚ୍ କରିବା। ୟୁଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡକ୍ ପାଇଁ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ କିପରି ସେଟ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି କମାଣ୍ଡ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟରେ ସୁଡୋ ସ୍ପେସ୍ ୟୁଜର ମଡ୍ ହାଇଫେନ୍ ଇ ସ୍ପେସ୍ 2012-12-27 ସ୍ପେସ୍ ଡକ୍ ଟାଇପ୍ କରି ଏଣ୍ଟର ଦାବନ୍ତୁ। ଅପ୍ସନ୍ ହାଇଫେନ୍ ଇ ସହାୟତାରେ କମାଣ୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ପରି ୟୁଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ ସେଟ୍ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ ୟୁଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ ସେଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ୟୁଆଇଡି ଓ ଜିଆଇଡି କମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତ ୟୁଜର ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଡି କମାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ୟୁଜରର ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଇଡି ସ୍ପେସ୍ ହାଇଫେନ୍ ୟୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଗ୍ରୁପ୍ର ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଆଇଡି ସ୍ପେସ୍ ହାଇଫେନ୍ ଜି ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଦେଖିବା। ଟର୍ମିନାଲରେ ଆଇଡି ଟାଇପ୍ କରି ଏଣ୍ଟର ଦାବନ୍ତୁ। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସିଷ୍ଟମରେ ଏବେ ଆମେ ୟୁଜର ଆଇଡି ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଇଡି ଦେଖିପାରୁଛେ। କେବଳ ୟୁଜର ଆଇଡି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହାଇଫେନ୍ ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଇଡି ସ୍ପେସ୍ ହାଇଫେନ୍ ୟୁ କମାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ କରି ଏଣ୍ଟର ଦାବନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ୟୁଜରର କେବଳ ଆଇଡି ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ୟୁଜରମାନଙ୍କ ନାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଟର୍ମିନାଲରେ ଆଇଡି ହାଇଫେନ୍ ଏନ୍ ସ୍ପେସ୍ ହାଇଫେନ୍ ୟୁ ଟାଇପ୍ କରି ଏଣ୍ଟର ଦାବିବା। ଏବେ ଆମେ ୟୁଜରମାନଙ୍କ ଆଇଡି ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଇଡିଜ୍ କମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଇଡି ସ୍ପେସ୍ ହାଇଫେନ୍ ଜି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଇଡି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଛେ। ସମସ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ୟୁଜରଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଇଡି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଡି ସ୍ପେସ୍ ହାଇଫେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଜି ଟାଇପ୍ କରି ଏଣ୍ଟର ଦାବନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଜିକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଟାଇପ୍ କରିଛି। ନିଜେ ହିଁ ପରିଣାମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ୟୁଜର ଆକାଉଣ୍ଟ କିପରି ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ୟୁଜର ଡେଲ୍ କମାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ୟୁଜର ଡେଲ୍ କମାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ୟୁଜର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟର୍ମିନାଲରେ ଦେଖିବା। ସୁଡୋ ସ୍ପେସ୍ ୟୁଜର ଡେଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହାଇଫେନ୍ ଆର୍ ସ୍ପେସ୍ ଡକ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ହାଇଫେନ୍ ଆର୍ ଅପ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏହା ହୋମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟୋରୀ ସହ ୟୁଜରକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଟେ। ଏଣ୍ଟର ଦାବି ଦେଖିବା କଣ ହେଉଛି। ୟୁଜର ଡକ୍ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଟାଇପ୍ କରି ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଲ୍ଏସ୍ ସ୍ପେସ୍ ସ୍ଲାସ୍ ହୋମ୍ ଟାଇପ୍ କରି ଏଣ୍ଟର ଦାବନ୍ତୁ। ୟୁଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡକ୍ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ସ୍ଲାଇଡ୍ସକୁ ଫେରିଯିବା।
लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रे आउ केतक उपयोगी कमांड हेउची डीएफ ओ डीयु। डिस्क रे उपलब्ध थिबा खाली स्थान विषय रे डीएफ कमांड रिपोर्ट दिए एवं गोटिए फाइल केते स्थान नेउची ताहार रिपोर्ट डीयु कमांड दिए। एही दुई कमांड को निजे ट्राए करंतु ओ एक असाइनमेंट भाबरे निजे आउटपुट देखंतु। चलंतु टर्मिनल को फेरी जाई डीएफ कमांड सहित व्यवहृत किछि उपयोगी ऑप्शंस देखिबा। डीएफ स्पेस हाइफेन एच टाइप करी एंटर प्रेस करंतु। एहा फाइल सिस्टम रो साइज ओ व्यवहृत स्पेस देखाउछि। जणे मनीष पढ़ी पारिबा भली फॉर्मेट रे थिबा स्थान को मध्य देखाउछि। एबे डीयु कमांड सहित किछि ऑप्शन देखिबा। एही पॉइंट रे मु भाबुछि जे आपण निजो होम फोल्डर रे किछि टेक्स्ट फाइल क्रिएट करि सकथिबे। जदि नुहे तेबे लिनक्स रे साधारण प्रयोजन यूटिलिटीज उपरे ट्यूटोरियल को रेफर करंतु। मु कमांड गुडी को एग्जीक्यूट करबा पई मो होम डायरेक्टरी रे किछि टेक्स्ट फाइल क्रिएट करि सारछि। टर्मिनल रे होम फोल्डर को जांतु। सीडी स्पेस स्लैश होम टाइप करी एंटर दबंतु। तापर डीयु स्पेस हाइफेन एस स्पेस आस्ट्रिक्स डॉट टीएक्सटी टाइप करी एंटर दबंतु। फाइल साइज सहित एही कमांड डायरेक्टरी रे थिबा टीएक्सटी फाइल गुडी कर रिपोर्ट देबो। एक असाइनमेंट भाबरे कमांड प्रॉम्प्ट रे डीयु स्पेस हाइफेन सीएच स्पेस आस्ट्रिक्स डॉट टीएक्सटी टाइप करी देखंतु कौन हेउछि। चालंतु स्लाइड्स को फेरी जिबा। आमे जहां सिखिले नुआ यूजर क्रिएट करबा को एड यूजर कमांड, गोटियरु अन्य एक यूजर को स्विच करबा को एसयू कमांड, यूजर अकाउंट सेटिंग्स चेंज पई यूजर मोड कमांड, यूजर अकाउंट डिलीट करबा को यूजर डेल कमांड, यूजर आईडी और ग्रुप आईडी सूचना जानिबा को आईडी कमांड, फाइल सिस्टम साइज और उपलब्धता पई डीएफ कमांड, फाइल द्वारा अधिकृत स्थान जानिबा पई डीयु कमांड। एहा आमको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक उपरे ट्यूटोरियल रो समाप्ति को आने। एही यूआरएल रे थिबा वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करे। जदि आपनकर भलो बैंडविड्थ नाही एहा को डाउनलोड करी देखि पारिबे। स्पोकन ट्यूटोरियल्स व्यवहार करी आमे कर्मशाला मान चलाऊ, ऑनलाइन टेस्ट पास करथिबा लोकंकु प्रमाणपत्र देऊ। अधिक विवरणी पई संपर्क करंतु। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्टर एक अंश जहां भारत सरकारक एमएचआरडी रो आईसीटी माध्यम रे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन द्वारा समर्थित। एहा उपर अधिक सूचना एही यूआरएल रे उपलब्ध। आईआईटी मुंबई तरफ रु मु प्रदीप चंद्र महापात्र आपनक ठारु विदाय नेउछि। आम सहित जड़ित होइथिबारु धन्यवाद।